बार पुनः स्वागत है आपका अनोखी कहानियों की इस बढ़ती हुई श्रृंखला में। आज की कहानी का नाम है नाव कैसे डूबी। कहानी का जन्म पहाड़ों की तलहटी में एक छोटे से राज्य में होता है, जहां एक नदी बहती थी। लोग नदी पार करने के लिए नाव का इस्तेमाल किया करते थे। एक बार एक नाव नदी में डूब गई। शिकायत राजा तक पहुंची। राजा के दरबार में मल्लाह की पेश हुई। राजा ने मल्लाह से पूछा, नाव कैसे डूबी, क्या नाव में छेद था? नहीं महाराज, नाव बिल्कुल दुरुस्त थी, मल्लाह ने कहा। क्या तुमने सवारी अधिक बैठाई थी? नहीं महाराज, सवारी नाव की क्षमता अनुसार ही बैठाई थी, और न जाने कितनी बार मैंने उससे अधिक सवारी बैठाकर भी नाव पार लगाई है। आंधी तूफान जैसी कोई प्राकृतिक आपदा तो नहीं थी? नहीं महाराज, मौसम सुहाना था और नदी भी बिल्कुल शांत थी। कहीं तुमने मदरा पान तो नहीं किया था? राजा ने पूछा। बिल्कुल नहीं महाराज। फिर उसने वहां लोगों के एक समूह की ओर इशारा करते हुए कहा, आप चाहें तो इन लोगों से पूछकर संतुष्ट हो सकते हैं, ये लोग भी मेरे साथ तैरकर ही जीवित लौटे हैं। तो फिर क्या चूक हुई, कैसे हुई इतनी बड़ी दुर्घटना? महाराज ने मुट्ठी भींचते हुए पूछा। मल्लाह बोला, महाराज नाव हौले हौले बिना हिलकोरे लिए नदी में चल रही थी, तभी नाव में बैठे एक आदमी ने नाव के भीतर ही थूक दिया। मैंने पतवार रोक के उसका विरोध किया और पूछा कि भाई तुमने नाव के भीतर क्यों थूका? उसने उपहास में कहा, क्या मेरे नाव में थूकने से नाव डूब जाएगी? मैंने कहा, नाव तो नहीं डूबेगी, लेकिन तुम्हारे इस निकृष्ट कार्य से हमें घिन आ रही है। बताओ, जो नाव तुमको अपने सीने पर बिठाकर इस पार से उस पार ले जा रही है, क्या तुम उसी में थूकोगे? फिर क्या हुआ, राजा ने पूछा। मल्लाह बोला, महाराज मेरी इतनी सी बात पर वो थुनक गया और बोला, पैसे देते हैं नदी पार करने के, कोई एहसान नहीं कर रहे हो तुम। राजा ने विस्मित होकर कहा, पैसे देने का क्या मतलब है बेशरम का, नाव में थूकेगा क्या? अच्छा फिर क्या हुआ? महाराज वो मुझसे झगड़ा करने लगा, मल्लाह ने कहा। और नाव में बैठे लोग क्या सो रहे थे? क्या उन लोगों ने उसका विरोध नहीं किया? राजा ने पूछा। किया महाराज, नाव के बहुत से लोगों ने मेरा साथ दिया और उसका विरोध किया। राजा ने कहा, तब तो उसका मनोबल टूट गया होगा, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ होगा। मल्लाह बोला, ऐसा नहीं था महाराज, नाव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसके साथ उसके पक्ष में खड़े हो गए। नाव के भीतर ही महाराज दो खेमे बट गए, बीच मझधार में यात्री आपस में उलझ पड़े और मारपीट होने लगी, चलती नाव में मारपीट। राजा ने कहा, तुमने उसे समझाया नहीं, रोका नहीं? रोका महाराज, हाथ जोड़कर विनती भी की। मैंने कहा, नाव इस वक्त अपने नाजुक दौर में तनिक भी हलचल हुई अगर चल रही है, हम सबकी जान का खतरा बन सकता है। लेकिन वो लोग माने नहीं, सब एक दूसरे पर टूट पड़े और नाव ने बीच गहरी धारा में ही संतुलन खो दिया। महाराज कहानी खत्म। आइए देखें क्या सीखा हमने इस कहानी से। यही कि आज के इस नाजुक दौर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो देश की हिचकोले खाती हुई नाव में थूक रहे हैं, फ्रीडम के नाम पर सार्वजनिक रूप से गंदे कपड़े धोकर देश की छवि को खराब कर रहे हैं। ये वो हैं जो अपने आप को राजा से भी ज्यादा वफादार मानते हैं। उनसे इतना ही अनुरोध है कि धैर्य बनाए रखें, ताकि नाव के संतुलन खोने से बाकी लोग ना मारे जाएं। अगली बार एक और अनोखी कहानी और एक और अनमोल सबक।